वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से हमारे ट्रेन टॉक्स के एपिसोड को। और दोस्तों बड़ी खुशी की बात है कि कल हम लोगों ने 50,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट कर ली है। तो थैंक यू आप सभी का कंटेंट में बिलीव करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी मेरी वीडियोस को होम पेज पे जाके देखते हैं यार, वो भी सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारे चैनल की 35% ऑडियंस ऐसी है जो मेरी वीडियोस को होम पेज पे देखते हैं, मतलब वो रेगुलरली वीडियोस वॉच करते हैं बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। देखिए थोड़ा सा यार क्या जा रहा है, एक लाल बटन टप करने में आपका, ठीक है ओके। मुझे थोड़ी सी खुशी मिलेगी, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं मैं भी मोटिवेट होऊंगा अच्छा कंटेंट बनाने को लेकर के, ठीक है ओके। सो अभी आप जो ट्रेन टॉक्स देखने वाले हैं, आप जब तक देखेंगे तब तक मैं ऑलरेडी हरिद्वार पहुंच चुका हूँ, सो मैं इसको थोड़ा सा पहले शूट कर रहा हूँ ओके। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से ट्रेन टॉक्स के साथ हमारी बातचीत। आज की जो पहली न्यूज है वो आ रही है लोहे पुल को लेकर के। आप लोगों को पता होगा, अगर कोई दिल्ली में रहता है तो उसको पता होगा कि यमुना का जो ब्रिज है, पुराना वाला लोहे का पुल, उसे लोहा पुल कहते थे, जो कि ओल्ड दिल्ली और दिल्ली शाहदरा को आपस में जोड़ता है, ठीक है। अब रेलवे यहाँ पे करने क्या वाला है कि उसके बगल में एक और पुल बनाने वाला है दूसरा, सो दैट क्योंकि जो एग्जिस्टिंग ब्रिज है वो उसकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है, मतलब एक्सपायर हुए बहुत टाइम हो गया, वो कभी भी गिर सकता है, इस वजह से दूसरा पुल बनाने की तैयारी चल रही है। और दूसरी बात ये कि जो हमारा एरिया है निजामुद्दीन और गाजियाबाद वाला सेक्शन, न्यू दिल्ली गाजियाबाद वाला सेक्शन, जो वहां पे भी जो यमुना का ब्रिज है वो भी नेक्स्ट दूसरा बनाने की तैयारी चल रही है। क्यों? सो दैट रेलवे से चाह रहा है कि जो न्यू दिल्ली और गाजियाबाद है इसके बीच जो हैवी ट्रैफिक है उसको मेंटेन किया जा सके, क्योंकि न्यू दिल्ली के पास एक्स्ट्रा लाइन्स है, चार लाइन वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर चार लाइन इस सेक्शन पे और बना दी जाए तो जो ट्रैफिक है उसको काफी आराम से हैंडल किया जा सकता है। सो अब यहाँ पे रेलवे यहाँ पे दो ब्रिज देने वाला है। रेलवे का यहाँ पे कहना है कि जो यमुना वाला ब्रिज है वो नेक्स्ट ईयर मार्च तक शुरू हो जाएगा। वैसे मुझे यकीन नहीं लगता क्योंकि जिस ब्रिज की लोग बात कर रहे हो मेरे घर से मात्र 3 किलोमीटर दूर है और लगभग मैं हाय दिन उस ब्रिज को देखता रहता हूँ। सो मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ हुआ है क्योंकि वो ब्रिज अभी सिर्फ 10 मीटर ही बनकर तैयार हुआ है। दोस्तों रेलवे ने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है कि जितना भी उसका मेंटेनेंस को लेकर वर्क हुआ करेगा वो सारा संडे को करा करेगा। और संडे को अगर कोई भी ट्रेन डिले होती है, कोई भी ट्रेन अगर डिले होती है और बीच में मील्स का टाइम आ जाता है तो आपको खाना पानी फ्री प्रोवाइड करा जाएगा, पानी भी फ्री प्रोवाइड करा जाएगा। देखते हैं कि कितने लोगों में जागरूकता फैली है हमारे रेल ने स्कैम वाली वीडियो को लेकर के। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार देख लेना ज़रूर, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके चेक कर लेना, ठीक है। अब संडे को करने के पीछे वजह यह है कि कम से कम हफ्ते के 6 दिन डिलेज नहीं होंगे, क्योंकि जितने भी रेलवे के जोन थे वहाँ पे जो डिले होता था और उनसे रिटर्न मांगा जाता था कि आपके जोन में इतना परसेंट डिले क्यों आ रहा है, तो वो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट देते थे कि डिले के वो मेंटेनेंस वर्क के कारण। अब रेलवे जब उसे संडे को लिया आएगा तो उनकी पंक्चुअलिटी चेक होगी कि वो अपना काम ठीक से करते हैं या फिर नहीं करते हैं, ठीक है। दोस्तों रेलवे का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था वेस्ट टू एनर्जी, मतलब कि उस एक एनर्जी प्लांट है इसके अंदर आपको वेस्ट डालना है और वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। प्लांट है वो कुछ जीएसटी के हर्डल्स फेस कर रहा है जिस वजह से उसमें डिले दर डिले आया जा रहा है। वैसे जहां पे से मुझे ये न्यूज मिली वहां पे एग्जैक्टली बताया तो नहीं है कि जीएसटी की किस टाइप की हर्डल है, बट जहां तक मुझे लगता है ये हर्डल सामान की प्रोक्योरमेंट को लेकर के होगी, क्योंकि जीएसटी के आने से ITC यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के कुछ नए रूल्स आ गए थे और उससे पहले इन लोगों ने उसके ऊपर सर्विस टैक्स और CST और VAT पे किया होगा। सो इनको लेके बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ गई होगी क्योंकि CST वगैरह के बदले GST का क्रेडिट नहीं मिलता इसको लेकर के, हो सकता है बात आपको समझ में ना आई हो, डिस्कस करने की बात रहने दो। तो यहाँ पे पीयूष गोयल साहब ने कहा है कि 2030 तक रेलवे जो है नेट कार्बन एमिटर बन जाएगा, मतलब कि नेट लेवल पे कार्बन बिल्कुल भी निकलेगा रेलवे की ओर से, क्योंकि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होने वाला है और वो कुछ चीजें लाने, कुछ नए नए प्रोजेक्ट लाने वाला है जिसके कारण ऐसा होगा। अब नेट कार्बन एमिटर का मतलब क्या होता है? देखो बात है यहाँ पे नेट, थोड़ा बहुत कार्बन जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो रेलवे रिलीज करेगा, ओके दैट्स ऑल, ये बात ठीक है। बट मान लो कि वो 10 किलोग्राम पर मीटर क्यूब गैसेज रिलीज कर रहा है तो उसके बदले वो कुछ इतना वो पेड़ वगैरह लगा रहा है, कुछ कर रहा है जिससे कि ये इफेक्ट निल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगी कभी भी ग्रीन हाउस गैस रिलीज होनी बंद हो जाएगी, वो निकलेंगी बट उसके बदले रेलवे काम भी करेगा, उसके बदले पेड़ भी लगाएगा, ओके। दोस्तों पीयूष गोयल साहब ने यहाँ पे एक और टारगेट सेट करा है कि 1 नवंबर तक रेलवे के जितने भी जोन है वो एटलीस्ट 90% पंक्चुअलिटी रेशियो अचीव कर ले, ठीक है। उन्होंने एक बात और कही है कि किसी भी जोन से किसी भी टाइप की टोलरेंस वगैरह या किसी भी टाइप का बहानेबाजी बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, आपको सख्त कार्रवाई करी जाएगी, पहली बात ये। दूसरी बात ये,
एक दिसंबर रखी गई है सारी केटरिंग इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। जो भी अब तक आपका पेंडिंग केटरिंग रिलेटेड इशू पड़ा है, खाने की क्वालिटी, खाना खराब है, क्वांटिटी कम है वगैरह वगैरह, उन सबको सॉल्व कर लो। 2 अक्टूबर यहाँ पे डे दिया गया है क्लीननेस रिलेटेड सारे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। याद है मैंने आपको एक पहले की कभी पुरानी ट्रेन टॉक्स में बताया था कि रेलवे तैयारी कर रहा है सब जोन के अंदर ग्रेडिंग करने को, कि मतलब उनकी पंक्चुअलिटी, उनकी केटरिंग, उनकी क्लीननेस, इसके ऊपर बेस उनकी ग्रेडिंग करी जाएगी और उस ट्रेन, उस जोन से ऑपरेट होने वाली ट्रेन को भी एक नंबर या ग्रेड दिया जाएगा कि ये ट्रेन यूजुअली इतनी परसेंट पंक्चुअल रहती है, ये ऑफिशियली पब्लिक को बताया जाएगा। तो ये सब उसी की तैयारी है। एक बार ये सब इंप्लीमेंट हो गया फिर ग्रेडिंग सिस्टम ला दिया जाएगा। अब लाइक दैट आपको दिल्ली से मुंबई ट्रैवल करना है तो दिल्ली से मुंबई ट्रैवल करने के लिए हमारे 20 ट्रेनें हैं, ठीक है। अब उसमें से कुछ ट्रेन नॉर्दर्न रेलवे ऑपरेट करता है, कुछ वेस्टर्न रेलवे ऑपरेट करता है, ठीक है, तो और कुछ कहीं और से भी आ रही है। तो यहाँ पे रेलवेज, तो यहाँ पे पब्लिकली रेलवे की वेबसाइट पे आपको बता दिया जाएगा कि किस ट्रेन का पंक्चुअलिटी रेशियो क्या है, आप इस ट्रेन से जल्दी पहुंच सकते हो और ये ज्यादा टाइम लेगी, ठीक है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। शुभम कुमार साइन ऑफ फॉर टुडे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। आपको हो सकता है लगा हो कि आज की वीडियो थोड़ी सी अजीब बन रही है वगैरह वगैरह, क्योंकि एक्चुअली मैं ध्यान नहीं लगा हुआ है ट्रेन टॉक्स बनाने को लेकर के। मुझे शाम को जर्नी कंपाइलेशन भी शूट करना है, जन शताब्दी का, उसकी प्लानिंग चल रही थी कंटिन्यूअसली कि सारे शॉट्स किस प्रकार से लेने हैं वगैरह वगैरह। ओके, सो आज ये बात खत्म करते हैं। कल संडे है, कल आपको मिल जाएगा रिंग रेलवे का पूरा वीडियो। तो रिंग रेलवे आप लोगों ने कहा था, मैं आप लोगों ने रिंग रेलवे तैयार कर दिया है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। Thank you.